अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माई फ्रेंड्स। आई होप मेरी यूट्यूब पर फैमिली काफ़ी ठीक होगी। तो काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनाना चाह रहा था, तो डिले हो गया, कुछ काम में बिजी था मैं। तो इंशाल्लाह अभी आपको जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा, हेल्प भी करूँगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो ऑक्शन के जितने भी कार होते हैं या बाइक होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रोसेस आप कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं, उसकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे भाई वीडियोज़ को शेयर करो यार। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, मुझे भी उतना ज़्यादा मोटिवेट होगा और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा। और वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, और आपके जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियोज़ को शेयर करो कि आपका भी फ़ायदा हो, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए हेल्प मिल जाए। तो ऑक्शन में जितने भी लोग ने कार ख़रीदी है, तो कार का बता देता हूँ या पहले बाइक का बताऊँ। चलो बाइक का पहले बता देता हूँ आप लोग को, बाइक ज़्यादातर लोग बाइक के लिए ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। तो जितने लोग भी ऑक्शन से बाइक ख़रीदे तो उन लोगों को फॉर्म 35 मिलता है ऑलरेडी। वहाँ पर जो बिटर होता है वहाँ पर मेंशन करते हैं कि ओरिजिनल आरसी या फॉर्म 35 या फॉर्म 36 या फ्रेश आरसी, ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको आपको फाइनेंस कंपनी देती है। एक फ्रेश आरसी, दूसरा फॉर्म 35, तीसरा ओरिजिनल आरसी, फोर्थ वन फ्रेश आरसी। तो पहले मैं आपको फॉर्म 35 के बारे में बता देता हूँ। फॉर्म 35 होता है एक सिर्फ फाइनेंस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स होता है कि आपको फाइनेंस ये गाड़ी पे क्लियर है बोल के, फाइनेंस क्लियरेंस लेटर, आपको ट्रांसफ़र लेटर, आईडी प्रूफ आपको ओनर का देते, आरसी कार्ड नहीं देते। तो ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 35 मिले बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे लेना है, तो इसके बारे में आपको मैं दो चार टिप्स देता हूँ जिससे आप आरसी इजी आपके पास ले सकते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में आपको आ जाएंगे, बेस्ट आइडिया एक है। तो जब भी आपकी गाड़ी खरीदे बाद जब फॉर्म 35 क्लियरेंस लेटर जब आप लाने जाते हो फाइनेंसर के पास, तो आप वहाँ पर से फर्स्ट ओनर का कॉन्टैक्ट डिटेल ले लो। ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेके आप कस्टमर को कॉल करो। आज के 99% लोग आरसी वापस दे दे रहे हैं कि आप बताओ कॉल करके कि भाई मैं आपकी गाड़ी ऑक्शन में परचेस करा, ये गाड़ी है तो आप आरसी कार्ड दे दो, मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। क्योंकि लोग को पता है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी उनके नाम पे रहेगी तो टैक्स पड़ेगा और उनके नाम पे फाइनेंस क्लियरेंस भी हट जाएगा बहुत सारे। तो 90% जितने भी लोग हैं आजकल आरसी दे रहे हैं, 1000-2000 दे के आरसी कार्ड आप ले सकते। दूसरा ऑप्शन है आपको डॉक्यूमेंट्स का कि एक है फॉर्म 36। फॉर्म 36 श्रीराम फाइनेंस वाले लोग देते हैं। फॉर्म 36 का ये फ़ायदा है कि आप किसी ओनर की ज़रूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 36 लेके आप डायरेक्टली आरटीओ में जाके फ्रेश आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश आरसी आपको मिलेगी कंपनी के नाम पे, जैसा कि फाइनेंस श्रीराम के नाम पे गाड़ी है तो श्रीराम कंपनी के नाम पे आपको 15 दिन में फ्रेश आरसी कार्ड आपको बन के आएगा। वो फ्रेश आरसी कार्ड आपको बन जाएगा तो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करते, कोई ओनर की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म 36 ले सकते। तो जो भी है महिंद्रा फाइनेंस है, श्रीराम है, HDB है, जितने भी बैंक है, तो आप पहले गाड़ी लेने से पहले उनको पूछ लो कि भाई फॉर्म 36 हमको आरसी नहीं, मुश्किल होता है, कभी ओनर का कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है। 80% लोग का तो बन जाता है, 20% ऐसे लोग होते हैं रेयर जिसको कॉन्टैक्ट नहीं होता है कस्टमर से। एक बार ट्राई कर लेना जो मैं पहले आइडिया बोला, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म 35 लेने के टाइम कॉल करके आप बात करके ले लेना। दूसरा आइडिया है फॉर्म 36। फॉर्म 36 से कोई कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, आरटीओ अपने फाइनेंसर से आप फॉर्म 36 फॉर्म लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाइक की आरसी आपको 3000 रुपये में फ्रेश आरसी निकल जाती है कंपनी के नाम से, आप अपने नाम पे इजीली ट्रांसफ़र कर ले सकते हैं। दूसरा है एक फ्रेश आरसी जो बोल के आती है, फ्रेश आरसी जो है ऑलरेडी जो फाइनेंस कंपनी है वो अपने नाम पे ऑलरेडी इशू करा के रख रही है। फ्रेश आरसी होती है जो फॉर्म 36 होती है ना, उसके रिलेटेड ये फ्रेश आरसी इशू होती है, फाइनेंसर के नाम पे होती है। तो जो फ्रेश आरसी वहाँ पर मेंशन कर रहा है तो डॉक्यूमेंट्स के पास फ्रेश आरसी है, तो मतलब उसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी कंपनी के नाम पे बन के रेडी है, तो आप गाड़ी रिलीज़ नहीं कर सकते, पहले आप पेमेंट करना होगा। पेमेंट करे बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो आरसी कार्ड होता है कंपनी के नाम पे, वो ले जाके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करके आप आके गाड़ी रिलीज़ करके लेके जा सकते। तो ये एक है, और जो अपने ये डिटेल तो मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्म 35 फाइनेंस क्लियरेंस लेटर होता है, फॉर्म 36 फ्रेश आरसी निकालने के लिए होता है, और कार के रिलेटेड भी यही है। कार जो भी ख़रीदते हैं तो हर फाइनेंस कंपनी कार को 101% महिंद्रा फाइनेंस हो या श्रीराम हो, सिटी यूनियन हो, फॉर्चून फाइनेंस हो, तो कार जो भी लेते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, 101% आपको फ्रेश आरसी आपको मिल जाएगी। आप कोई भी फाइनेंस कंपनी जाके आप बोलो फॉर्म 36 चाहिए लीजिए, कोई भी आरटीओ में सबमिट कीजिए, कार का वर्किंग डे होता है 25 दिन के अंदर आपको
फ्रेश आरसी जैसा कि श्रीराम के नाम पे है, तो श्रीराम के नाम पे आपको गाड़ी आरसी कार्ड इश्यू हो जाएगा, गाड़ी इन्फेक्शन कराना होगा, जिसके 8,000 रुपये खर्चा होते हैं कार के, ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना टाइम ज़्यादा है, 20 से 25 दिन लगेंगे। और वो गाड़ी आपको श्रीराम से खरीदेंगे तो गाड़ी ले जाके आपको कंपनी में, वहाँ पर जहाँ से यार्ड में लिए वो गाड़ी वहाँ पर यार्ड में आपको रख कर वहाँ से फॉर्म 36 लेकर आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए टाइम जाएगा लेकिन आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, फ्रेश आरसी निकल जाएगी। लेकिन कार के रिलेटेड भी मैं कहता हूँ कि यही सेम आइडिया जैसा बाइक का मैंने आपको बताया है, तो आप पहले वही ट्राई कर लीजिए। फॉर्म कस्टमर का नंबर, जब क्लियरेंस फॉर्म लेने जाते हैं तो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेके आप कॉल कर लीजिए। कॉल कर लिए तो आजकल 99% कार के जितने भी कस्टमर्स मैंने देखे हैं, मैं कॉल कर लेता हूँ जब भी फॉर्म 35 लेने जाता हूँ, तो कस्टमर की डिटेल ले लेके कॉल कर लेके मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि सर मैंने आपसे गाड़ी परचेज़ की है फाइनेंस कंपनी में, तो आप कार सी दे दीजिए, जो भी आपको कुछ पैसे चाहिए तो दे दो। कुछ लोग पैसे ले लेते हो, कहीं 5,000 कहीं 8,000 ले लेते हैं, उतने तो अपने को फ्रेश आरसी को लगते हैं। 20-25 दिन बचाने के लिए आप कस्टमर को कॉल करके 2,000-5,000 देके भी आप आरसी लेके इमीडिएटली ट्रांसफ़र नेक्स्ट डे आप करवा ले सकते हैं। ये एक बेस्ट आइडिया आपके लिए है। तो कोई आपको हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भरने तो इंस्टा आईडी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लेके फॉलो करो, वहाँ से मैसेज करो। किसी को भी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूँगा, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी हेल्प करूँगा, किसी को नहीं बन पा रहे डॉक्यूमेंट्स तो उसके लिए भी मैं हेल्प करूँगा। इंस्टा आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ से पूरी हेल्प करूँगा। और वीडियोज़ को जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो। जिसको भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की आपको प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर दो, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करके बनाने में पूरी कोशिश करता हूँ, 100% आपको बनवाने की कोशिश कर लूँगा। ओके, तो आप चैनल को ऐसे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है, बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं गाड़ियाँ आपको बता रहा हूँ, ये है एक्सन गाड़ी 2016 की, तो ये गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है। तो ये गाड़ी आपको लास्ट आपको 2,00,000-2,20,000 तक मिल जाएगी। यहाँ पर टैक्सी प्लेट है लेकिन लाइफ टैक्स है, इसको ऑन बोर्ड कर सकते हैं, 7,000-8,000 में ये ऑन बोर्ड हो जाएगी, इसको आरसी अवेलेबल रहेगी। तो ये इंडिका गाड़ी है 2015 की, और इसको आप ले सकते हैं 30,000-35,000 तक आप ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन देख सकते हैं आप इसका ख़राब है। तो जैसे कंडीशन से आप देख लीजिए गाड़ी, यहाँ पर विस्टा, इंडिका विस्टा अवेलेबल है, और हर मॉडल की गाड़ी अवेलेबल है, इट्यूस है, और स्विफ्ट डिज़ायर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जितने मॉडल्स की गाड़ी आप चाहिए वो मॉडल्स की गाड़ी मिलेंगे। लेकिन ये बोलेरो देखिए कितनी प्यारी कंडीशन में है, ये कंडीशन ऑन ड्यूटी गाड़ी चली हुई है, लेकिन ये अभी जब बिकने के लिए आएगी जब तक इसकी हालत भी ख़राब हो जाएगी। टायर देख सकते हैं कंडीशन बहुत अच्छे है, गाड़ी नीट है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड भी, जितने भी नॉन रनिंग गाड़ियाँ लास्ट में एंड में होती है वो तो बिल्कुल ख़रीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसमें किसी में इंजन नहीं होता है, गियर नहीं होता है, कुछ 90% उसमें पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अब देख लीजिए हालत इतनी बुरी हो चुकी, जब आई थी इसका कंडीशन ठीक था लेकिन अभी देख सकते अब जंग आ गया, जंग आ चुका है गाड़ियों पर। जब तक ये इन लोगों का क्लियरेंस होता नहीं है, जब तक गाड़ियाँ सेल करते नहीं है, तो हर मॉडल की गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन लेने से पहले अच्छे से देख समझ के ले, क्योंकि एक बार आप गाड़ी परचेस कर लोगे तो बाद में कुछ रिटर्न नहीं कर सकते आप, नो गारंटी नो वारंटी। इस पे चालान होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी, गाड़ी पे केस होगा वो आपकी ज़िम्मेदारी, डॉक्यूमेंट्स की ज़िम्मेदारी भी आपकी है। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन करते वही डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। फॉर्म 35 रहेगा तो खाली फाइनेंस क्लियरेंस लेटर मिलेगा, आरसी आपको नहीं मिलेगी। आरसी अवेलेबल रहेगी तो आरसी आप वहाँ पर मेंशन करेवा रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन करेवा है, देखिए यहाँ पर मेंशन करे हुआ है आरटीओ फॉर्म इन फॉर्म 35, खाली फाइनेंस क्लियरेंस लेटर मिलेगा आपको, तो यहाँ पर देख लेना। ओरिजिनल आरसी बोल तो भी मैं बताता हूँ ओरिजिनल आरसी किधर होती लिखी हुई, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ओरिजिनल आरसी लिखा हुआ है, आरसी के बाद जो ओरिजिनल आरसी है तो आप ओरिजिनल आरसी देख करके ले सकते हैं। और आना है तो आ सकते हैं, एवरी सैटरडे यहाँ पर श्रीराम पटेंचेरू श्रीराम यार्ड बोल के आप गूगल पे भी सर्च करके हर सैटरडे को यहाँ पर ऑक्शन होता है मॉर्निंग। अभी लॉकडाउन की तरफ से सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक इसकी टाइमिंग है, तो आप उसके अंदर कभी भी आ सकते हैं। और एक्सप्लेन तो और आपको कर देंगे, तेलुगु में एक्सप्लेन हमारे भाई भी कर देते थोड़ा भी।